मिठाई की दुकान में मिठाइयों पर भिनभिनाती ये मक्खियां। जरा सोचिए ये मिठाई खाने के बाद हमारे लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। शरीर के लिए हानिकारक ये मिठाइयां पिछले कई महीनों से बेची जा रही हैं। इसके बाद भी खाद्य विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। देवास में मिठाई की दुकानों पर दूषित खाद्य सामग्री और मिलावटी चीजें बिक रही हैं। ये शिकायत की गई है सर, क्या है पूरा मामला सर? हम लोग देखेंगे, जांच कर लेंगे उसके जो प्रतिष्ठान है उसका निरीक्षण करेंगे और उसमें ऐसा कुछ पाया गया तो उसको नोटिस देते हुए उससे नमूना की कार्रवाई की जाएगी और जो अगर जो सैंपल जांच के लिए लेंगे उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर क्या होता है दुकान पे, इतने बड़े कंपनी एक भी है खुद ही बना रहा है सेम वगैरह और उसमें मक्खियाँ और ये बैठती है तो क्या किस तरह की कार्रवाई होती है? इसमें साफ सफाई के निर्देश हैं उनको, उन लोगों को जैसे जो लाइसेंस जारी किया जाता है वो विधिवत होना चाहिए, लाइसेंस की कंडीशन का पालन किया जाना चाहिए। तो किसी तरह का जुर्माना भी इसमें? इसमें हाँ, अगर मान लो लाइसेंस कंडीशन का पालन नहीं किया जाता तो उसे जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। साथ ही सर उनके यहाँ पर काफ़ी दिन पुराना तेल भी उपयोग किया जा रहा है, इस वीडियो में आपने देखा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? उसमें हम लोग जाँच कराने के लिए उस तेल को भेजेंगे, जो कोई आने वाले हैं तो उसकी भी कार्रवाई की। आपको बता दें इस तरह की दूषित मिठाई की लोगों ने जिला मुख्यालय से शिकायत की पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वैसे तो दिखावे के लिए अधिकारी कभी कभी दफ्तरों से बाहर निकलकर रस्म अदायगी कर लेते हैं, लेकिन मिठाई की दुकानों पर सैंपल भी भरे गए थे लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। न्यूज़ डेस्क।